इंडिया के सामने बैठे हैं, इसका मतलब है शायद आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया कैप्टेंसी के आगे वर्ल्ड कप के लिए। नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रीन सिग्नल तो पहले भी था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे भी होगा, तो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है और कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की क़यादत मिलेगी, सरफराज अहमद कहते हैं पहले भी ग्रीन सिग्नल था, उम्मीद है आगे भी होगा। ये भी कहा परफॉर्मेंस सबके सामने है, विकेट के पीछे बोलना आदत है, क्लब को लेकर इतना बड़ा इशू बनाया गया, अफ्रीकी खिलाड़ी से माजरत की। कराची में टारगेट किलिंग, 10 रोज में मजहबी जमातों के 2 कारकुन कत्ल, वारदातों में मुमासलत है, तफ्तीशी हुकाम का इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, जानवरों की गजा में अस्पतालों का वेस्ट और रंग मिलाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया, 54 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज, शुगर टेस्ट के बाद वीवीआईपी रूम से ओपीडी मुंतकिल, कार्डियक टेस्ट भी किया जाएगा। मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। फैसला होगा कबूल होगा जी, हमारा इनकी तरह नहीं रोंदू शैतान है। शेख रशीद पर तनकीद, बिलावल भुट्टो ने गलती का एतराफ कर लिया, ट्विटर पर तवज्जो दिलाई गई तो पीपी लीडर ने जवाब दे दिया, लिखा बुलंद वकार का ख्याल रखना चाहिए, कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। और कराची में 25 साल बाद मैराथन, वजीर आला सिंध ने भी शिरकत की, मैराथन इवेंट कराची में अमन बहाल होने की दलील करा।